आज के वीडियो में मैथ्स वन का हॉट्स क्वेश्चन कंटिन्यूशन किया जाएगा। इससे पहले मैथ्स वन का हॉट क्वेश्चन नंबर वन जो सितंबर 2021 बोर्ड एग्ज़ाम रेड्यूस सिलेबस के बेस पे हुआ था वो हम लोग ने सॉल्व कर दिए। पहला क्वेश्चन जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो इसमें आपको x फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने चेक किए थे कि किस तरह से ये हॉट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, और लास्ट में हम लोगों ने वेरीफाई भी किए थे कि अपना आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू जो सितंबर 2021 में आया है वो है वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 एंड इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको एक्सरसाइज में दिया गया है चैप्टर नंबर वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग रीड करके भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। तो फर्स्ट ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हम लोग न्यूमरेटर को एक्स ले लेंगे और डिनोमिनेटर वाई। तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर वन ऐड कर रहे हैं हम लोग तो एक्स प्लस वन एंड वाई प्लस वन द आंसर विल बिकम 1/2। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस वन। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, बाद में अरेंज करने के बाद भी उसको लीनियर इक्वेशन में फ्रेम करके छोड़ देंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम लोग लेफ्ट कर दिए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन थी इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड तो एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अगर वन सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सेकंड कंडीशन किस तरह से होगी, एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके एक्स और वाई को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में ले लेंगे। तो आपका दो इक्वेशन फ्रेम हो गया है, 2x माइनस वाई में इक्वेशन है और 3x माइनस वाई में है। तो माइनस वाई सेम आ रहा है, तो अगर सेम साइन है तो नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑल साइन विल चेंज, जो माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप लोग, पहला टर्म माइनस हुआ, ये माइनस साइन थी तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया, सब साइन चेंज हो गई। नेक्स्ट 3x माइनस 2x x आया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल और ये 2, माइनस वन नहीं देखना अभी आपको, अब न्यू साइन देखना आपको। तो 2 प्लस 1 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। तो एक बार x मिल गया, सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, या 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, दोनों में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर लो आप लोग। सॉल्व करने के बाद में y की वैल्यू आपको आ रही है 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इज 7। तो 2 मिला, x 3 है और y 7 है, तो फ्रैक्शन इज 3/7। इसको चेक कर लेंगे अपना राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। इफ़ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 था, तो ये 4/8 हो रहा है और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/2 ही होता है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन था इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वन सेपरेट करेंगे तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 और ये 1/3 हो रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल स्टेटमेंट में आपको लास्ट में therefore the required fraction या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन भी आप लोग लिख सकते हो इज 3/7। इस तरह से आपको ये आंसर को कंप्लीट करना है।
तो ये बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए अभी लेटेस्ट जो रिड्यूस सिलेबस के बेस पे जो क्लास इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए थे उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रहते हैं, एनी टू आपको करना होता है वहाँ पर। इन एन ए पी 16, 14, 12 द सम ऑफ हाउ मनी टर्म्स आर 60, राइट दिस टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज़। ये आपसे पहले 2018 से पहले जो टेक्स्ट बुक थी उसमें ये क्वेश्चन हॉट्स में दिया गया था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें लास्ट में थोड़ा चेंजेस था क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लेन वाई वी गेट डबल आंसर ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया राइट दिस टर्म्स विद ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो लास्ट में अगर वैसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वाई वी गेट डबल आंसर, तो उसका आंसर भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, तो उसमें आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये नंबर रिवर्स में जाता जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल होगा कि जीरो के पीछे भी चले जाएगा नंबर और दो का गैप है, तो इसलिए वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं आपको, वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स आर 60। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टर्म्स को मिला के आपका सम 60 आता है वो पता करना है आपको। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एन फाइंड करना है कि कितने टर्म्स को यूज़ करके आपका आंसर 60 आने वाला है। तो सबसे पहले ए और डी निकाल लेंगे, तो गिवन ए पी में ए 16 है और डी t2 - t1 - 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टू अगर लिख लिया आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप ए और डी निकाल लिया, आपको हाफ मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट गिवन पार्ट में आप क्या क्या मिल गया, अपने को तीन चीज़ मिल गई है, ए मिल गया 16, डी मिल गया -2 और एस एन दिया हुआ है 60। तो डायरेक्टली वी विल गो फॉर एस एन फॉर्मूला, एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 60 इक्वल्स टू एन बाई टू, और उसके बाद में n को n ही रखना है और फिर सॉल्व करते जाना है। तो 2 × 16 = 32, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो 2 × n - 2n, और 2 × 1 = 2, तो माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट 32 और 2 को हम लोगों ने ऐड कर दिए, नंबर था 34 हो गया और 2n इज लेफ्ट। अब लास्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 34n और ये 2n² स्क्वायर एज करो, -2n² राइट में था, लेफ्ट में आएंगे तो +2n² हो जाएगा। 34n राइट में है, लेफ्ट में आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 120 लेफ्ट में ही था और अभी भी लेफ्ट में ही है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में ये हर नंबर 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो 60 का आपको फैक्टर निकालना है और आपका आंसर जो है वो -17 रहना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर लिखेंगे, 12 × 60 और माइनस माइनस करोगे तो -17 भी आएगा और मल्टीप्लाई में वो +60 भी हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद में आपका n आ रहा है +12 और n आ रहा है +5। n अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव को डिस्कार्ड कर डालते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, बट n सिर्फ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों आंसर को हम लोग कंसिडर करना होगा, और वही आपका क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, राइट दिस टर्म विथ ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो दो पॉसिबिलिटी है, एन 12 भी हो सकता है और एन 5 भी हो सकता है। तो इफ़ एन इज 12 एंड इफ़ एन इज 5, क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर 5 टर्म्स है तो आप लोग 5 टर्म लिख दो, 16, 14, 12 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, तो उसके आगे दो टर्म और लिख दो 10 और 8। इसको ऐड करके चेक कर लेंगे हम लोग, 16 + 14 = 30, 30 + 12 = 42, 42 + 10 = 52, 52 + 8 = 60, 60 आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट 12 टर्म्स भी लिख लेंगे, तो 8 के और आगे हम लोग जाएंगे। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है 642 और ये 642, देखो ये तो कैंसिल होने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ का एडिशन भी 60 आ रहा है आपका। एन अगर 5 है, 5 टर्म से भी आपका आंसर 60 आ रहा है, और 12 टर्म से भी आपका आंसर 60 आ रहा है, मतलब ये एडिशनल 7 टर्म्स, ये तीन टर्म कट हो जा रहे हैं और 0, तो 5 + 7 और 7 टर्म्स ऐड करने के बाद भी सेम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव कट हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है कि आपने दोनों पॉसिबिलिटी लिख लिए, 12 टर्म्स के हिसाब से कितने आंसर रहेंगे और 5 टर्म्स के हिसाब से कितने आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन जैसा एक्चुअल क्वेश्चन है वो वाई वी गेट डबल आंसर, तो उसमें फिर आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा जो यहाँ पे स्ट्राइक करके मैंने लिखा हो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट
12 टर्म्स के 5 टर्म्स और 12 टर्म्स दोनों का एडिशन सेम है, देयरफॉर वी आर गेटिंग डबल आंसर हियर, देयरफॉर वी गेट टू आंसर्स हियर। इतना लिख के हम लोग इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पे। तो ये दो क्वेश्चन थे जो 4 मार्क्स के लिए हॉट्स में पूछे गए थे सितंबर 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो भी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता था, वो भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल सकते हैं यहाँ से। और जितने हॉट्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग दो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th, ये सॉल्व किया जाएगा। अभी हम लोगों ने 1st, 2nd, 3rd ये दो क्वेश्चंस इस वीडियो में किए और पहला क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में सॉल्व हो चुका है।